काशी की पतली पतली गलियां लेकिन मन को लुभाने वाली गलियों से होते हुए हम पहुंच रहे हैं सिद्धेश्वरी चौक की तरफ और सिद्धेश्वरी चौक पर स्थित है सिद्धेश्वरी देवी माता जी का मंदिर। सिद्धेश्वरी देवी माँ सिद्ध योगिनियों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। इनके दर्शन मात्र से ही रुके हुए काम पूरे होते हैं ऐसी मान्यता है और इन्हीं माता रानी के प्रांगण में सिद्धेश्वरी देवी माता रानी के प्रांगण में स्थित है एक रहस्यमयी कुआं। काशी खंड के चंद्र पुराण में वर्णित ये कुआं गंगा घाट से भी पुराना बताया जाता है। पहले एक कुंड के आकार का था, बाद में इसको कुएं के रूप में बनाया गया। सबसे विस्मित करने वाली बात तो ये है कि यह कुआं अंदर ही अंदर सुरंग द्वारा महाशमशान, जो हमारे काशी का महाशमशान है, मणिकर्णिका घाट से जुड़ा हुआ है और गंगा नदी को जोड़ता है। कितनी आश्चर्य की बात है। तो दोस्तों चलिए हम आपको कराते हैं ऐसे कुएं के दर्शन जो मणिकर्णिका घाट तक जाता है अंदर ही अंदर और गंगा नदी से जुड़ता है जाके, और इसको गंगा से भी पुराना बताया जाता है। तो आइए चलते हैं चंद्रकूट की तरफ और सिद्धेश्वरी माता के प्रांगण की तरफ। दोस्तों सिद्धेश्वरी माता जी के प्रांगण में आने से पहले ही बाहर एक ही दुर्गा माता जी का मंदिर है राइट साइड में और शिवलिंग भी बने हुए हैं यहाँ पे। और इस प्रांगण के अंदर में जो खास चीज़ें हैं वो तीन हैं। एक तो सिद्धेश्वरी माता जी की मूर्ति, उसी के जस्ट नीचे है हमारे चंद्रेश्वर महादेव और चंद्रकूप। ये तीन चीज़ें यहाँ की बहुत खास हैं। और यहाँ से जो संबंधित कहानी है वो कुछ इस तरीके से है कि चंद्रमा को एक बार दक्ष ऋषि ने श्राप दे दिया था कि उनकी रोशनी समाप्त हो जाएगी और वो काले हो जाएंगे। चंद्रमा ने इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए एक शिवलिंग की स्थापना की यहाँ पे, जो कि चांदी से निर्मित थे। और फिर उन्होंने उस शिवलिंग के साथ साथ में एक यहाँ पे कुंड भी बनाया जिसे चंद्रकूप कहा जाता है अभी। और उन्होंने उस कुंड का जल 1,00,000 वर्ष तक उस शिवलिंग पर अभिषेक किया शिव जी का, और तब जाकर उनको उस श्राप से मुक्ति मिली। और साथ ही शिव जी इतने प्रसन्न हुए चंद्रमा से कि उन्होंने चंद्रमा का एक अंश अपने मस्तक पर धारण किया। और दोस्तों इस कुएं के बारे में ऐसी मान्यता है कि अगर इसके जल में परछाई दिखाई देती है तो व्यक्ति दीर्घायु होता है, और अगर नहीं दिखाई देती तो उसकी 6 महीने में मौत भी हो सकती है। और इसका जल पीने से जो अज्ञानता है वो दूर होती है। जैसा कि हम जानते हैं काशी को मोक्षदायिनी भी कहते हैं, तो प्राचीन काल में लोग अपने अंत समय में काशी में आते थे और इस कुएं में अपनी परछाई देखते थे। अगर उन्हें अपनी परछाई दिखती थी तो वो वापस अपने घर चले जाते थे, और अगर उन्हें अपनी परछाई नहीं दिखती थी तो वो यहीं रुक जाते थे, क्योंकि उनको ये पूरा विश्वास था कि इन 6 महीनों में उनको मोक्ष यहाँ से प्राप्त होना ही होना है। तो इस तरीके का है ये चंद्रकूप। आपने देखा है कुआं। इस चंद्रकूप के बारे में कहते हैं कि अगर आपको इसमें अपनी परछाई दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि अभी आपका जीवन अच्छे से स्वस्थ रूप से बाकी है। लेकिन अगर आपको परछाई नहीं दिखाई देती है तो ये संकेत देता है कि आपके आने वाले समय में रोग हो सकता है या आपकी उम्र थोड़ी सी कम हो सकती है। तो इसलिए इसको चंद्रकूप कहते हैं। तो देखिए दोस्तों इस कुएं का पानी कितना साफ है, और अगर इतने साफ पानी में भी किसी की परछाई ना दिखे तो ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। तो इन सब चीज़ों से लगता है कि ये चीज़ें सच हैं। और यहाँ के कुछ लोगों से भी बातचीत हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं हम। तो उन सब ने इस चीज़ को वेरीफाई किया है कि ये बिल्कुल सच है। और कहते पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान यहीं पर रुककर पूजा अर्चना वगैरह की थी। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में प्रतिकूल परिस्थिति के कारण चंद्रमा से पीड़ा हो या कोई भी इस तरीके का दोष हो तो वो अगर चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन करता है तो वो दोष दूर हो जाता है, ऐसी यहाँ पर मान्यता है यहाँ की। तो दोस्तों कुएं के बारे में बताने और दिखाने के बाद अब हम आपको अंदर चल के दर्शन कराते हैं सिद्धेश्वरी माता के और चंद्रेश्वर महादेव के। ये देखिए दोस्तों ये जो आपको चमक रहे हैं चांदी में, ये हैं चंद्रेश्वर महादेव और इसके ऊपर हैं सिद्धेश्वरी माता रानी। ये बहुत ही सिद्ध माता मानी जाती हैं यहाँ की। कहते हैं जो भी सिद्ध शक्तियाँ हैं वो इनकी पूजा अर्चना से प्राप्त होती हैं। रुके हुए काम बनते हैं, बिगड़े हुए काम बनते हैं। और नीचे जो से महादेव जी हैं जिनको हम कहते हैं चंद्रेश्वर महादेव, इनकी स्थापना की थी चंद्रमा जी ने स्वयं अपने हाथों से। और अब बाहर निकल के हम आपको बाकी का एरिया भी दिखा देते हैं। आंगन में तो ये कुआं है जो आप देख ही चुके हैं, पीछे ये मंदिर हो गया सिद्धेश्वरी माता का और चंद्रेश्वर महादेव का। इसके अलावा लेफ्ट साइड में कुछ और भी मंदिर और शिवलिंग्स वगैरह बने हुए हैं, चलिए वो हम अब आपको आगे बढ़ के दिखाते हैं।
आगे पेड़ वगैरह बहुत अच्छे से लगे हैं, तुलसी माता के, केले के, और बहुत कुछ अच्छे अच्छे से पौधे लगे हुए हैं। और ये तो कुआं देख ही लिया है आपने। इसके जस्ट अपोजिट साइड में, बैक साइड में, यानी कि हमारे लेफ्ट साइड में, यहाँ पे इस बरामदे के अंदर, यहाँ पे भी कुछ अंदर मुझे मंदिर सा दिखाई दे रहा है। यहाँ से इसको भी देखते हैं। कितने पुराने शिवलिंग यहाँ पे लग रहे हैं, कितनी पुरानी मूर्तियाँ लग रही हैं। देखिए, देखने से लग रहा है कि बहुत प्राचीन से हैं सारे। और इस बरामदे के राइट साइड में एक और कॉर्नर पे छोटे से मंदिर है, जहाँ पे शिवलिंग वगैरह बने हैं और भी कुछ कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं यहाँ पे। ये देखिए, देवी माता की मूर्ति बनी हुई, और ये सीढ़ियों से उतर के नीचे कुछ है। ये देखिए, कितने सुंदर सुंदर शिवलिंग है यहाँ पे। ये एक बीच में शिवलिंग है। ये देखिए, कितना अच्छा मंदिर बना। ये थोड़ा सा नीचे की तरफ उतर के अंदर जाके, लेकिन बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर शिव जी है यहाँ पे। तो चलिए अब यहाँ के दर्शन करके यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ। ये तो दर्शन आपने कर ही लिए हैं, और ये हम आगे वापस अपने उसी आंगन में जहाँ पे हमारा कुआं है, और सामने ही एक और देवी माता जी की मूर्ति है कोने पे। चलिए वो भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। ये रही एक और देवी माँ की मूर्ति है। और अब हमारी सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे पूरी, और अब हम निकलते हैं बाहर की तरफ। उम्मीद है आपको यहाँ के दर्शन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये दर्शन अच्छे लगे हों, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।